कहना चाहते हैं यहाँ पे, एट टाइम अनकॉन्शियसली हम बच्चों के सामने झूठ बोल देते हैं एंड वी डोंट रियलाइज इट दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग एंड इमिटेटिंग अस। आपको समझना पड़ेगा बच्चे इतना सिखाने में नहीं सीखते जितना वो कॉपी करने में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार नोट करी होगी, सबसे पहले बच्चा खाना खाने सीखता है अपने आप। वो क्यों देखते हैं, जब बच्चा 6 महीने का होता है 9 महीने का होता है आप खाना खा रहे होते हैं, वो आपको खाना खाते देखते वो हाथ मारेगा, एम आई राइट? ठीक है, वो हाथ मार के खाना मांगता है, वो आपको बाइट लेते हुए देखते हैं तो वो आपसे बाइट्स मांगते हैं, एम आई राइट? दे ट्राई टू कॉपी यू, दे सी यू वॉकिंग, सो दे ट्राई टू वॉक इन दैट वेरी डे। सो दे लर्न फ्रॉम थिंग्स व्हाट वी डू। लैंग्वेज बहुत लेट आता है उनके दिमाग के अंदर, सो प्लीज बी केयरफुल कि आप कभी भी बच्चों के सामने कोई बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, यू आर वेरी मच कॉशियस अबाउट इट। देन दिस इज आई थिंक ये मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ही प्रॉब्लम आता है, बट शायद अभी आपके बच्चे छोटे हैं वो इनिशियल स्टेज पे नहीं है, बट आगे जाके हो जाता है कि सब पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा है मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं है, मैं ये बात बहुत साफ साफ कहूँगी, फाइन यू, यस आप एक जरिया जरूर है कि वो बच्चे इस दुनिया के अंदर है। एक ना आपको टाइम मिले अगर आप अमेजोन से ऑर्डर कर सके कहीं से, एक बहुत प्यारी किताब है थलिए सुल्तान की, प्लीज नो मोर पढ़ो, हिंदी पंजाबी में भी ट्रांसलेटेड है, प्रॉफिट द बुक, उसमें ना चैप्टर है चिल्ड्रन के ऊपर, इट्स अ वन पेज चैप्टर, उसमें चैप्टर एक एक पेज के ही है, सो दैट्स व्हाई मुझे ज्यादा पसंद है, छोटी बुक है। नाउ ही सेज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर प्रॉपर्टी, लाइक आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ टू देम डजंट मीन यू ओन देम, क्योंकि आपने जन्म दिए इसका मतलब ये नहीं कि आप ओनर हो जाते हैं। आप एक जरिया है टू गेट लाइफ इनटू लाइफ, बेसिकली इस लाइफ के अंदर दुनिया